अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इशरत किचन में आप सबका वेलकम है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े टेस्टी से फ्राइड राइस की रेसिपी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। देखिए मैं सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सबसे पहले अपने चावल आधे घंटे पहले भिगा कर रख दिए थे। ये मेरे आधा किलो चावल है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है पत्ता गोभी थोड़ा सा, एक कैप्सिकम, थोड़ी सी गाजर और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस, हरी प्याज। और मैंने यहाँ ले लिया है 250 ग्राम चिकन, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची यानी कि 4 हरी मिर्चियां और थोड़ी सी प्याज, एक छोटे साइज की प्याज, 5 अंडे, 3 टेबलस्पून मैदा, 2 पिंच एमएसजी सॉल्ट, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपने चावल बॉइल कर लेंगे। अपनी गैस जलाकर हम सबसे पहले अपने इस पर टोप रख देंगे, बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पानी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 जग पानी ले लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना थोड़ा सा तेल, 3 टेबलस्पून के करीब, बस। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून नमक, बस। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे। फ्रेंड्स जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम इस चिकन में सबसे पहले ऐड कर देंगे एक अंडा, इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मैदा, 3 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 पिंच अपनी काली मिर्ची। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स इसको मिक्स करने से पहले हम यहाँ पर अपनी कढ़ाई में तेल रख देंगे ताकि जब तक हम इसको मिक्स करें तब तक हमारा तेल गर्म हो जाए। फ्रेंड्स जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने अपने चिकन को ऐसे पीसेस में कट कर लिया था और मैंने इसमें मिला लिया अपना मैदा, काली मिर्ची, नमक, बस। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पीसेस कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं, अब हम उनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग इसको बॉईल करके डालते हैं पर मैं बॉईल इसलिए नहीं करती हूँ, इसका जूसीपन जो होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए मैं इसको फ्राई करके डालती हूँ ताकि हमारा चिकन जूसी जूसी रहे, बड़ा टेस्टी सा लगे। फ्रेंड्स देखिए एक बार का हो गया, मैं सेकंड टाइम ऐड कर रही हूँ। मैंने गैस स्लो कर दी थी, हमारा तेल बहुत तेज गर्म हो चुका है इसलिए मैंने अपनी गैस स्लो कर दी है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, हमारे पानी में भी बॉईल आ चुका है, हम ये चावल ऐड कर देंगे अपने इसमें, बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स आराम से करिएगा धीरे धीरे। फ्रेंड्स पानी में चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको 90% यहीं पका लेंगे, इसमें बॉईल आने देंगे। फ्रेंड्स जब तक हमारे चावल हो रहे हैं जब तक हम अपने अंडे भी फ्राई कर लेते हैं। पहले अपने अंडे बोल में तोड़ कर ले लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी थोड़ी सी काली मिर्ची, 2 पिंच कम से कम, और 2 पिंच नमक। फ्रेंड्स देखिए हमारे पानी में भी बॉईल आ रहा है, अब हम अंडे अपने यहाँ पर फेंट लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे चावल 90% कुक हो चुके हैं, बस अब हम इनको पसा लेंगे, इसका पानी निथार देंगे, इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे। फ्रेंड्स चलिए गैस बंद कर देते हैं अपनी और जल्दी से हम अपने चावल स्ट्रेन कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। बस छन्नी में पसा लेंगे। फ्रेंड्स हमारे चावल स्ट्रेन हो चुके हैं, अब हम फिर अपनी गैस जला लेंगे और उस पर वही कढ़ाई रख देंगे जिसमें हमने अपने चिकन फ्राई किया था, बस हम अपने तेल को गर्म होने देंगे, बस हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है मेरा अंडा।
देखिए फ्रेंड्स, हम अपना अंडा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। वो इसको पलट पलट कर फ्राई करते जाइएगा, एकदम ज्यादा छोटे छोटे पीसेस मत करिएगा, मीडियम पीस रखिएगा, एकदम भुर्जी ना बन जाए हमारा अंडा। फ्रेंड्स देखिए, हमारा अंडे भी फ्राई हो चुके हैं, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ज्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं किए, थोड़े बड़े बड़े पीस रखे हैं। फ्रेंड्स हम सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे, थोड़ा ही सा ऐड करेंगे, एकदम ज्यादा नहीं, 4 से 5 टेबलस्पून। फ्रेंड्स हमारा तेल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना जिंजर गार्लिक, इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। बस फ्रेंड्स हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी प्याज और ग्रीन चिल्ली। फ्रेंड्स इसको हम 10-15 सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। फ्रेंड्स फ्लेम हाई रखिएगा। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजीज, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट एंड स्प्रिंग ओनियंस, इनको भी हम 10 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना नमक, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून MSG सॉल्ट, 1 टेबल स्पून केचप, सोया सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके सौते कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन जो हमने फ्राई किया था। एग जो हमने फ्राई कर दिया तो अब हम इसमें ऐड करें। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने राइस, बस इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपना, सब चिकन चावल सब एक हो जाए मिलके। फ्रेंड्स देखिए, रेडी है हमारे टेस्टी से चिकन फ्राइड राइस, बस अब हम इनको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहा हमारे फ्राइड राइस। फ्रेंड्स मैं जब भी बाहर से मंगा के खाती थी, मम्मी मेरे को चिल्लाते थे कि बाहर का इतना मत खाया करो, तो इसीलिए मैंने फ्राइड राइस अब घर में ही बनाने लगी। जब मेरा दिल करता है मैं बनाती हूँ और खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स आप भी बनाइए, ट्राई करिए, अपनी प्यारी फैमिली को खिलाइए, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आप सबको खुश रखिए, अच्छी सेहत दे। अल्लाह हाफिज़।